आज लेके हम आपके लिए आए हैं आज की 20 बड़ी प्रमुख खबरें। आप देख रहे हैं मीडिया मंच। महाराष्ट्र गृह विभाग ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परबीर सिंह को फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। कुछ ड्रग मामला मुख्य गवाह किरण गोसावी लखनऊ में करेंगे समर्पण। मड़ियाव थाने से बाहर पुलिस बल तैनात। के जीवी में ओपीडी के लिए पंजीकरण अब SMS से। भारत क्रिकेट टीम के हारने पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले युवक पर भड़के लोग। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अखाड़ों के रार बरकरार। हरिद्वार में दो अध्यक्ष पहली बार। जम्मू कश्मीर पुलिस की व्यवस्था में सेंध लगा रहे आतंकी संगठन। जेल के भीतर से लेकर बाहर तक सांठगांठ। 2022 में सपा को पूर्ण बहुमत सौंपने के लिए जनता तैयार। नरेश उत्तम पटेल। नकली आधार कार्ड पर 11 अफगानी पहुंचे नेपाल। 3 महिला समेत 8 पुरुष होटल से गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में बोले CM योगी, स्वास्थ्य सुविधाओं से अभाव में नहीं होगी किसी की मौत। मरीज की मौत 9 बजे। खून का सैंपल लिया 11:30 बजे। अस्पताल के MD समेत 13 पर रिपोर्ट। विराट कोहली बोले, न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी नई रणनीति। अगले मैच से पहले ब्रेक का मिलेगा मौका। पति को ढूंढने गुजरात से कुशीनगर पहुंची महिला। पुलिस से लगाई मदद की गुहार। पूर्व अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि ने कहा, तालिबान से युद्ध से उसमें हम हार रहे थे। हम आर्यन खान की आज मिलेगी बेल। जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। PM मोदी ने किया उद्घाटन। WHO की बैठक में कोवैक्सीन टीके को आज मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी। बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच। संक्रमित मिलने पर किए जाएंगे क्वारंटीन। दिवाली पर पहले बोनस और बड़े डीए की सौगात। लाख कर्मियों और पेंशनरों को होगा फायदा। लालू का वार, मैं वापस आ गया हूँ, अब मचेगी भगदड़। बिहार में बनाएंगे सरकार। हिंदुत्व और विकास के जरिए ही पूर्वांचल के चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा। भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरेगी। वाराणसी में सुबह कोहरे ने दी दस्तक। तेजी से बदला मौसम, न्यूनतम तापमान।